teach you mathematics. How can you do division of fractions? कैसे आप लोग फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन. रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दो भिन्न को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कब कहेंगे? इफ देयर प्रोडक्ट इज वन, अगर उसका गुणनफल वन है तब. फॉर एग्जाम्पल 4/9 एंड 9/4 आर देयर रेसिप्रोकल्स. उदाहरण में 4/9 है एंड 9/4 है. 4/9 का रेसिप्रोकल 9/4 आया. सो 4/9 एंड 9/4 आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहेंगे. सिंस 4/9 मल्टीप्लाई 9/4 इक्वल टू 1, इसका प्रोडक्ट करने पे क्या आया? 1 आया. इसलिए इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहेंगे. इन जनरल इफ ए बाई बी इज ए फ्रैक्शन, सामान्य रूप से ए बाई बी अगर फ्रैक्शन है, भिन्न है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज बी बाई ए. ए बाई बी कोई फ्रैक्शन है, 3/4 कोई फ्रैक्शन है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होगा, यानी कि अपोजिट होगा. यहाँ पे न्यूमरेटर बी है, डिनोमिनेटर ए है, इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो बी बाई ए होगा. रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, 0/1 नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में किस प्रकार से हम लोग डिवाइड करेंगे? रूल है टू डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड. जब फ्रैक्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, सेकंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से. दस इस प्रकार ए बाई बी डिवाइड है, कोई फ्रैक्शन है ए बाई बी, इसमें डिवाइड किया गया सी बाई डी से. फिर ए बाई बी जो है फर्स्ट फ्रैक्शन में सही रहेगा और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा. यहाँ पे सी बाई डी है तो डी बाई सी होगा और डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू विथ टुमारो. थैंक यू स्टूडेंट्स.